Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the second session of calculus lecture number 3 for bachelor's in computer engineering of Dr. A.Q. Khan Institute for Computer Sciences and Information Technology. Okay. So in the first lecture, first part, hum logon ne isko khatam kiya tha till the quadratic equation. So let's now solve an inequality principle. कि inequality क्या होता है और number rays के ऊपर हम इसको देखते हैं कि number ray में inequality को कैसे solve करते हैं और उसको map किस तरह करते हैं. So हमारे पास अब knowledge आ गया है कि हम simple equations को कैसे solve करें. So ये चीज हम already देख चुके हैं. So हमारे पास एक inequality. Inequality का क्या मतलब है? Inequality. So inequality means left hand side. A number could be less than something, or a number could be greater than other number. या फिर दोनों चीजें हो सकती है. It could be number could be less than or equal to, or greater than equal to. ठीक है? अच्छा ये last symbol that is visible. Okay, so let's manipulate this for an equation. Let's solve an equation. So we have equation 5x minus 4 greater than x square. So इसको हम solve करते हैं. Conventionally solve होता है, लेकिन इसमें एक चीज फर्क है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या फर्क आता है. So इसको solve किया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5x So we have this equation 5x minus 4 is greater than 6. So solving this ahead, 5x is equivalent to ये जो minus 4 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा plus 4. 6 plus 4. So we have 5x is greater than 10. याद रखें जब भी आप इनइक्वालिटी में डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये इन्वर्ट हो जाता है. इसका क्या मतलब है? अब इसको परफॉर्म करते हैं. सो ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था अब ये दूसरी जगह पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही आपके पास ये जो सेंटर में इनइक्वालिटी है इसका साइड भी चेंज हो जाएगा. सो एक्स इज पहले ग्रेटर देन 10 आ रहा था, 5x इज ग्रेटर देन 10. Now this become x is less than 10 divided by 2. So x is equal to x is less than 5, which is the solution set of this equation. Sir, x is equal to 2 nahi hoga divided by 5. Sir, 2 ki jagah 2 nahi aata. Sorry, ulta ho gaya. 5 idhar chala gaya. 5 ones are 5 divided by 10 is 2. Okay. ठीक है जी. यहां तक किसी को कोई इशू? अब हम एक और चीज सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व अनदर इनइक्वालिटी. प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस इनइक्वालिटी. सो वी हैव एन अनदर इक्वेशन. जी जी सर, अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, अगर हम क्या करें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बजाय मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन के केस के अंदर सिस्टम में चेंज ओवर नहीं आता. अभी मैं मल्टीप्लीकेशन वाला आपको केस दिखाता हूं. मल्टीप्लीकेशन में चेंज ओवर नहीं आता, लेकिन वेन एवर यू डू द डिवीजन तो फिर इसमें चेंज ओवर आ जाता है. ठीक है, अभी मैं दो केसेस अभी आपको नेक्स्ट इक्वेशन में दिखाता हूँ. सो लेट्स सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन. दिस वॉज द फर्स्ट, लेट्स सॉल्व अनदर इक्वेशन. So next equation we have is minus 5 is less than or equivalent to 4 minus 3x divided by 2 is less than 1. So अब इस equation के अंदर तीनों चीजें involve हो रही हैं. Less than भी आ रहा है, greater than भी आ रहा है, और less than equivalent to भी आ रहा है. ठीक है,
So this equation is greater than this 5, but this is less than this 1. So let's solve this. तो जो आपका सवाल था कि मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है, सो सी सबसे पहले मैं सेंटर वाली चीज को सॉल्व करता हूं. माइनस फाइव इज लेस देन फोर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू इज लेस देन वन. तो मैं इस टू को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा देता हूं. सो दिस बिकम्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई विद टू इज लेस देन इक्वल टू फोर माइनस थ्री एक्स इज लेस देन. अब ये देखें, ये जो टू है ना, पहले तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन थी, इस ये टू कहां पे जाता था, ये डिवाइड हो रहा है तो यहां पे जाके मल्टीप्लाई होता था. नाउ दिस व्हेनेवर आई टेक दिस टू अवे फ्रॉम इट, तो ये दोनों साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा. सो दिस टू बिकम्स माइनस फाइव एक्स मल्टीप्लाई विद टू अलॉन्ग विद वन मल्टीप्लाई विद टू. सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. दिस बिकम्स माइनस टेन लेस देन इक्वल टू फोर माइनस थ्री एक्स इज लेस देन टू. सो लेट्स टेक अहेड. अच्छा जी, अब कहां तक हम पहुंच गए. अब इसमें क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं कि अगले स्टेप में ये जो फोर दिया हुआ है इस फोर को सॉल्व करते हैं. सिमिलरली जब भी इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो दोनों साइड पे जाएगा. नाउ दिस फोर व्हिच इज द प्लस ओवर हियर, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस फोर. सो दिस बिकम्स माइनस टेन माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स इज लेस देन टू माइनस फोर. सो माइनस टेन माइनस फोर इज माइनस फोर्टीन इज लेस देन इक्वल टू 3x. सर 3x के साथ माइनस नहीं आएगा. यस, देयर इज अ माइनस, माइनस 3x. सो माइनस 3x माइनस 3x, सो 2 माइनस 4 बिकम्स माइनस 2. अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गौर से सारे लोगों ने देखना है. ये मैं भी ना हमेशा गलती कर देता था जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व कैलकुलस, तो इसमें मैं हमेशा ये वाली मिस्टेक करता था. सी दिस वेरी क्लियरली, जब भी आप इक्वेशन को डिवाइड कराते हैं तो साइन चेंज होता है, और दूसरी दफा कब साइन चेंज होता है, जब आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी साइन चेंज होता है. सो बेसिकली सारी इक्वेशन को हम रियलिटी में माइनस से डिवाइड करा देते हैं. जी बेटा. सर ये माइनस फोर दोनों साइड पे किस तरह, मुझे बात समझ में नहीं आई. अच्छा, माइनस फोर दोनों साइड पे किस तरह चला गया. क्या हुआ कि जो इनइक्वालिटी की इक्वेशंस होती है ना, इसमें अब ये बेसिकली दो इक्वेशंस की कॉम्बिनेशन है. दिस इज नॉट वन इक्वेशन, रिमेंबर दिस थिंग. ये एक इक्वेशन नहीं है, ये दो इक्वेशंस को कंबाइन किया हुआ. इसको मैं तोड़ के लिख के आपको दिखाता हूं, अगर यहां पे थोड़ा इशू है तो. माइनस टेन इज लेस देन इक्वल टू फोर माइनस थ्री एक्स, एक ये चीज लिखी हुई है, और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, फोर माइनस थ्री एक्स is less than 2. अगर इन दोनों equations को combine कर दें तो क्या बनता है, minus 10 is less than equal to 4 minus 3x is less than 2. ये exactly क्या इसी equation के बराबर है? जी. Okay, sir, समझ गया. That's what happened. So जो भी हम operation यहाँ पे करेंगे, जरूरी है कि मैं center से जो भी variable लेके आ रहा हूँ वो दोनों जगहों पे डिवाइड होगा. लेकिन जो लेफ्ट और राइट साइड के ऑपरेटर्स हैं, ये जब कैरी होते हैं तो सिर्फ सेंटर में कैरी होते हैं. अगर मैं इस ऑपरेटर को दूसरी साइड पे लेके आ जाता हूं, नोप्स, फर्स्ट दे विल कम ओवर हियर एंड देन दे विल गोइंग टू कम टू द अदर साइड. लेट्स से मैं टू को इधर लेके जाना चाहता हूं तो क्या होगा, जीरो, इधर टू की जगह जीरो रह जाएगा. सो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे जाके दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा. अरे ये लास्ट दो स्टेप समझा दें, नहीं समझ आए. अच्छा, वापस रिपीट करते हैं. मैं इसको ना दोबारा रिपीट करता हूं, लेट मी रिपीट दिस आउट. हमारे पास ये क्वेश्चन थी विच इज माइनस टेन इज लेस देन फोर माइनस थ्री एक्स इज लेस देन टू. अब मैंने क्या किया कि जो सेंटर में फोर पड़ा हुआ है ना,
इस 4 को उठाया और मैं इसको दोनों साइड इसको चेंज ओवर करने लगा, ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा -10 -4। लेकिन साथ ये भी याद रखें कि ये जो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो रहा है, अगर ये 4 एक दफा इधर है तो ये दो इक्वेशनों का कॉम्बिनेशन है, एक इक्वेशन इधर भी पड़ी है और एक इक्वेशन इधर भी पड़ी है, तो अगर मैं 4 को इधर लेके जा रहा हूं तो साथ ही दूसरी साइड पे भी आपने इसको लेके जाना। सो दैट्स व्हाई -10 -4 -3x बच गया और साथ ही 2 -4 का ऑपरेशन भी होगा। इसको आगे सॉल्व किया, सो दिस बिकम्स -14 इज लेस देन इक्वल टू -3x व्हिच इज लेस देन -2। अच्छा जी, अब इसमें एक और एक स्टेप और देखें जो मैं समझा रहा था। इक्वेशन का साइन तब चेंज होता है जब इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है या फिर -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, बिकॉज -1 इज बेसिकली अ डिवीजन ऑपरेशन आल्सो। सो इस सारी इक्वेशन को अब मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं, सो दिस इज 14 लेकिन +14 हुआ, साइन चेंज हो गया, 3x इज ग्रेटर देन 2। क्यों? क्योंकि जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा या इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, राइट। सो एक लास्ट स्टेप हमारे पास इसमें रह गया व्हिच इज दिस 3। सो 14 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वलेंट टू एक्स एंड 2 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ तक किसी की मजबूरी हो तो अब दोबारा से साइन इन्वर्ट नहीं होता, नो नो नो, डिवाइड करते, ठीक है जी, एग्जैक्टली दोबारा साइन इन्वर्ट होना चाहिए, ये गलती हो गया, साइन दोबारा इन्वर्ट होना चाहिए, माय मिस्टेक, थैंक यू। ये किसने बताया, दानिया, आपका नाम है बेटा, क्या नाम है? जी सर दानिया। ओके, तो आई मेड अ मिस्टेक। अब ये देखिए, ये अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को जब भी डिवाइड करते हैं ना तो फिर साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई पे साइन चेंज नहीं होता लेकिन डिवाइड पे साइन चेंज ओवर हो जाता है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो टुडे वी लुक्ड एट द इनइक्वालिटी, वी सॉ द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। हां जी बेटा, आपने कहा कि मल्टीप्लाई पे साइन नहीं होता लेकिन सेकंड लास्ट स्टेप में हमने साइन चेंज करा है। जी, वो मल्टीप्लाई में भी, अच्छा वो हमने क्या क्यों क्या किया, हमने बेसिकली इक्वेशन को -1 पे डिवाइड किया। अगर ये देखे ना तो ये क्या था, -14 था, तो इस सारी इक्वेशन को क्या किया, -1 पे डिवाइड किया। क्यों? इसको -1 पे डिवाइड करो, इसको -1 पे डिवाइड करो, इसको -1 पे डिवाइड करो, ये माइनस इससे उठ जाएगा, ये माइनस इससे उठ जाएगा, ये माइनस इससे उठ जाएगा, ठीक है। सो यू विल लेफ्ट विथ 14 लेकिन जब ये डिवीजन परफॉर्म की तो साइन को चेंज ओवर कर दिया। अच्छा, जो भी आपकी कंफ्यूजन इसमें होती है ना, अगर कभी द बेस्ट वे इज ओपन अप द बुक स्कॉस्की की, उसके अंदर एग्जाम्पल में दीज थिंग्स आर सॉल्व। और दूसरी चीज ये कि मैं आपको इसके बाद ना नेक्स्ट वीक में आई एम गोइंग टू गिव एन असाइनमेंट एट द एंड ऑफ दैट वीक जिसमें कुछ प्रॉब्लम सेट है जिसमें आप प्रैक्टिस करके। एक्सक्यूज मी सर, कौन सी बुक? स्कॉस्की, कैलकुलस 1 बाय स्कॉस्की, जो मैंने भी आपको दिखाई है सर, फिर से दिखा दें। ये मैं अभी एंड में ना लेक्चर के एंड में आपको दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। एक लास्ट चीज रही है, बता दूं, आफ्टर देन आई विल शो इट टू यू इन दैट। अच्छा, और मेरा लेक्चर जो है ना होपफुली इसी टाइम पे शिफ्ट ओवर हो जाएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, और इंशाल्लाह ताला अगले वीक जो है ना मेरी आपकी व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में नंबर लाइन देखी थी। सो नंबर लाइन में किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं सेट एक्स और उसके आगे दो डॉट्स आते हैं। This belongs to this interval, जो भी interval है इन दो dots के आगे उन interval को लिख दिया जाता है। For example, we have a set x such that this x belongs to a value a which is less than equal to x and less than equal to b.
सो इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसी वैल्यू है नंबर लाइन के ऊपर, एक नंबर है एक्स, ये एक्स नंबर है, और ये जो एक्स नंबर है ना, ये एक और एक पॉइंट है ए, इसको कोई नाम दे देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ए को कह देते हैं ये है थ्री, और ये जो बी है इसकी वैल्यू एट कर लेते हैं। एक्स एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू थ्री से ग्रेटर है लेकिन एट से स्मॉलर है, सो थ्री एंड एट, सिंस दिस नंबर इज ग्रेटर देन एंड ऑल्सो इक्वलेंट टू, सो दिस इज बेसिकली अ क्लोज इंटरवल ओवर हियर। सो जब भी इज इक्वल टू का साइन आता है तो इसका मतलब है ये आपका एक क्लोज इंटरवल है। थोड़ी एक और एग्जांपल देखते हैं, ओपन इंटरवल क्या चीज होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन तरह के इंटरवल हैं, एक है आपके पास ओपन इंटरवल, सेकंड है आपके पास क्लोज इंटरवल, एंड देन वी हैव गॉट हाफ ओपन इंटरवल, और लास्टली जो है ना इसको कहते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिट इंटरवल। ठीक है जी, सो मैंने आपको जो भी सेट दिखाया ये कौन सा सेट है, दिस वॉज द क्लोज इंटरवल, बिकॉज एक्स की वैल्यू से ग्रेटर आ रही थी और एट से स्मॉलर आ रही थी। सो लेट्स लुक एट अ क्लोज, लेट्स लुक एट एन ओपन इंटरवल। एक और नंबर है, अब ना इसको दोबारा लिखते हैं जी, ये x such that this a, a की बजाय मैं इसको दे देता हूं this is minus one is greater than x but this is less than equivalent to b। सो ये कैसा इंटरवल है जो हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल है। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस, इक्वल टू उड़ा देते हैं। दिस एक्स व्हिच इज अ वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन अ वैल्यू बी व्हिच इन दिस केस इज इक्वल टू एट। एक एक्स की ऐसी वैल्यू है जो माइनस वन से ग्रेटर है लेकिन एट से स्मॉलर है। सो व्हाट टाइप ऑफ इंटरवल इज दिस, कैन समबडी टेल मी किस तरह का इंटरवल होगा, कैसा इंटरवल? सर ये ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल है, कैसे पता लगा ओपन इंटरवल है, हाउ डिड यू सर? इसमें ये माइनस, अगर ये माइनस वन के इक्वल भी होता और एट के भी इक्वल होता तो हम कह देते कि ये क्लोज है, क्योंकि उसके अंदर हम माइनस वन को भी इंक्लूड कर रहे होते और साथ ही एट को भी इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन एट द टाइम ये ओपन इंटरवल है क्योंकि इसके अंदर हम माइनस वन को इंक्लूड नहीं कर रहे, माइनस वन से जो ग्रेटर वैल्यू जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं और एट से लेस देन जो सेवन सिक्स फाइव है इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अच्छा इस तरह मतलब लेट मी जस्ट रीफ्रेज योर आंसर। ठीक आंसर, ठीक आपने जवाब बताया। सो एक्स एक ऐसी वैल्यू है, जब हम कहते हैं ना कि आपका ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब है आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता लग रहा कि कहां पे जाके इसने कन्वर्ज करना है। ठीक है, दिस कुड बी, ये मैं कह रहा हूं एक्स से छोटी वैल्यू है, कितनी छोटी है, दिस इज लाइक एट, और एट से छोटी वैल्यू कोई मुझे बताए कौन सी वैल्यू होती है, एट से छोटी कौन सी वैल्यू, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अच्छा, और इब्राहिम आपके अलावा कोई और बच्चा बताए, 6, 5, 4। 6, 5, 4, क्या नाम है बेटा आपका? फैजान अली। फैजान, एट्स के ना करीब 7.99 होगी। 7.9। सो एट्स के करीब वैल्यू है 7.9 एंड समबडी एल्स सेज नो सर ये 7.9 ना लगाए हैं, इसकी बजाय इसके मुझसे ज्यादा करीब वैल्यू पता है, इससे ज्यादा करीब वैल्यू है 7.9
9.99 एक और बंदा आता है वो कहता है नो दिस इज 7.999999 राइट यस सर सो दैट्स व्हाई वी पेयरिंग नंबर दिस एज अ ओपन इंटरवल जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता होता सो ये वाली इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन थी जिसके अंदर दोनों वैल्यूज का ही हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता जब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होता तो हम इसको इन सर्कल से हाफ ये सॉरी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते सो दिस ब्रैकेट सेज कि ये एक ओपन इंटरवल है हाफ ओपन इंटरवल क्या होगा एक एक क्वेश्चन उसके लिख देते हैं जी सो एक्स सच दैट दिस एक्स बिलोंग्स टू जीरो एज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वलेंट टू थ्री सो ये आपके पास हाफ ओपन इंटरवल है क्यों क्योंकि आधा इंटरवल के ऊपर कुछ जो वैल्यू है ना वो क्लोज है और आधे इंटरवल के ऊपर ये ओपन है बिकॉज दिस एक्स इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू जीरो सो एक साइड के ऊपर ऐसा ब्रैकेट आ गया और दूसरी साइड के ऊपर थ्री के ऊपर ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गया ठीक हो गया जी एंड लास्ट लास्ट थिंग व्हाट इज दिस इनफिनिटी इनफिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं एक्सक्यूज मी जी बेटा सर ये हाफ ओपन वाले को थोड़ा और इलैबोरेट कर दें अच्छा ओके हाफ ओपन का क्या मतलब होता है कि एक साइड जो है ना इसकी ओपन है एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है सो लुक एट दिस इक्वेशन दिस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है ठीक है लेकिन दूसरी साइड पे दिस इज लेस देन थ्री एंड इक्वल एंड टू थ्री ये थ्री से कम और उससे ज्यादा की थ्री से कम और थ्री की वैल्यूज है सो दिस इज अ पॉइंट जहां पे एग्जैक्टली थ्री की वैल्यू है और उससे कम जितनी वैल्यूज है वो आ रही सो ऐसा इंटरवल जिसके अंदर एक साइड आपके पास क्लोज हो और एक साइड ओपन हो तो ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं ये आपका हाफ ओपन इंटरवल है ये देखिए ये वाली साइड ओपन थी और ये वाली साइड आपकी क्लोज थी सो दिस इंटरवल इज कॉल्ड एज हाफ ओपन इंटरवल ठीक है अच्छा जी राइट So last thing for today's lecture, which is the infinite interval. Infinite interval की एक equation लिखते हैं x, which belongs to a value of minus infinity till a point 2. Okay, this is not visible. माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टू सो ये जो इंटरवल है ये आपके पास इंफिनिट इंटरवल इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं सो लेट्स मेक दिस ये आ गया आपका जीरो पॉइंट या फिर इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं आपको दूसरा नाम क्या है इसका ओरिजिन ठीक है नंबर सारे यहीं से ओरिजिनेट हुए और ये कहां से आ रहे हैं दिस इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है और जाके ये एंड हो रहा है टू को दिस इज द पॉइंट टू सो दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड एज योर इनफिनिट इंटरवल ठीक है जी सो दैट इज इट फॉर टुडे In today's lecture, we have the. Sir, ये तो हमने last example किया infinite वाली. Sir, इसमें एक हमारा close नहीं बन गया. मतलब two तो हमें close है. एक interval close है. लेकिन look at this. ये open है लेकिन इसका कोई point ही नहीं पता. ये कहाँ पे जाके open हो रहा है? Infinity. इसकी दूसरी side open है. ठीक है? This is open towards infinity. So जब भी कोई भी एक साइड इंफिनिटी को टच करे तो ऐसे इंटरवल को कहते हैं हम ये आपका इंफिनिट इंटरवल है सही है
और एक बाय द वे एग्जाम का एक सवाल सुन लो, मुझे भी अभी माइंड में आया, ये फंसाने के लिए सवाल होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर तो प्लस इन्फिनिटी तक इस तरह के इंटरवल को क्या कहते हैं? ये तो क्लोज हो जाएगा ना? नहीं जी, ये कैसे क्लोज हो सकता है? इसमें कौन सा एंड पॉइंट बताएं, कौन सा एंड पॉइंट, व्हाट इज द एंड पॉइंट इन दिस? इन्फिनिटी रहेगा तो ये इसमें तो कोई क्लोज पॉइंट है नहीं, ये भी आपका इन्फिनिट इंटरवल है, ओपन ओपन है, बहुत स्पेशल किस्म का इंटरवल है, इसे क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। ये एक एक खास नंबर को जाके ये मैप करता है, ऐसा इंटरवल जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए इस इंटरवल को कहते हैं, ये आपका रियल नंबर का इंटरवल है। Yes, sir, real numbers. ठीक है, जिसमें yes. सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है? ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी लुक्ड एट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, दो प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज की देखें, उसके बाद देन वी लुक्ड एट कि आपके सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व की जिनकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इक्वलेंट टू वन थी, और फिर हमने सॉल्व की जिनकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल टू थी, जिसको एक्स स्क्वायर भी कहते हैं, एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व दीज इक्वेशन बाय टू मेथड्स, वन बाय फैक्टराइजेशन एंड सेकंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वी लुक दैट द नंबर लाइन एंड इक्वलिटी सिंबल, कि इक्वलिटीज में हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, और फिर आखिर में हमने लेक्चर के देखा था इंटरवल टाइप्स विच आर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन एंड इन्फिनिट इंटरवल एंड एंड द लास्ट स्पेशल केस विच इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी नाउ। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। सो माय लेक्चर्स वुड बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन माय चैनल व्हिच इज मूवी सरवर अवान, ये सारा इकट्ठा है। उसका नाम बता दें। हाँ जी बेटा, किसी का सवाल है? सर बुक मैंने लिंक भेज दिया, और मैं आपको दोबारा से ईमेल भी कर देता हूँ। ये कोई बच्चा चौधरी है, उसका क्या नाम है, एंड आई फॉरगेट, एसएन चौधरी शायद नाम है क्या, मैं उसको भेज दूंगा। सो दिस इज द नेम ऑफ द बुक, ये माय ओल्ड बुक ऑफ माय इंजीनियरिंग, कैलकुलस। ठीक है सर, ठीक है जी, सही हो गए सर, सही हो गए। जो लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रह रहे हैं, सबसे अच्छी जगह इसको ख़रीदने की चिक बाज़ार है, वहाँ पे गुड बुक शॉप है, वहाँ पे आपको सबसे सस्ती मिल जाएगी। और अगर आप लोग किकसेट में थोड़ा सा पहले आते हैं, तो हमने किकसेट में यही वाली किताब एक बंदे को सेल किए हुए बहुत ज़्यादा हो गई थी, 7 रुपये की एक किताब बेची थी, तो आई डोंट नो कि वहाँ पे आपको कितने की मिलती है, आई गेस 50 या 100 रुपीज़ की, मे बी, आई डोंट नो द प्राइस ओवर देयर। लाइब्रेरी में यानी सर पड़ी हुई है? लाइब्रेरी में अब सिर्फ इसके ओरिजिनल वर्जन है, पायरेटेड वर्जन नॉन इश्यूएबल है। सर मैंने बता देंगे। दोबारा बेटा पूछें। सर कंप्यूटर की बुक का नाम भी बता देंगे। कंप्यूटर की बुक वो आप कंप्यूटर वाले इंस्ट्रक्टर से पूछें। सर मैंने एक नेट से बुक डाउनलोड करी है, ये यही वाली, तो अगर आप मुझे शेयर स्क्रीन के खोल दें, मैं आपको दिखा दूंगा, बता देंगे वो ठीक है या नहीं। अच्छा जी जी, ये मैं स्क्रीन शेयरिंग ओपन कर रहा हूँ, अगर वो ठीक होगा मैं जो लिंक जहाँ से मैंने किया मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ ताकि बाकी बच्चे भी करें। ये मैंने आपको शेयरिंग एनेबल कर दिया। इब्राहिम आप स्क्रीन शेयर कर लें। सर एक मिनट में कर रहा हूँ। जी जी
सर आपको नजर आ रहा है? एक मिनट, जब मुझे नजर आएगा सब लोगों को नजर आ जाएगा। अभी आ रहा है, इब्राहिम नासिर हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। अल्टरनेट एडिशन कैलकुलस कॉस्ट की, इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ताकि मैं फिर बताऊंगा ये ठीक है कि नहीं। पेज 1, 2, 3, 4 खोलें, आगे करें, पेज 2 खोलें। इब्राहिम इसका पेज नंबर 2 खोलें, बुक का पेज नंबर 2। ठीक है सर, पेज नंबर खोल लेता हूँ सर। ये पेज नंबर, ऊपर से कंटिन्यू स्क्रॉल में ना, वन बाय वन स्क्रॉल कर लो। सर आप शो हो रहे हैं आपको? हाँ हाँ जी, अब